कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर जियांग चैन को देखते हैं, जो कि हमें बताता है कि पहले मैं एक प्रो गेमर हुआ करता था, पर अब मैं एक स्केलेटन बन चुका हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी इसके सामने एक वुल्फ आ जाता है। हमें फिर बताया जाता है 2025 ग्रेट वेस्टलैंड नाम का एक गेम लॉन्च हुआ, जिसकी बेटा टेस्टिंग शुरू हो गई और आता ही उसने गेमर्स की दुनिया में तहलका मचा दिया। ये गेम काफी ज्यादा बढ़िया था, इस वजह से जो इसके क्रिएटर्स है उन्होंने बेटा टेस्टिंग के लिए नॉर्मल लोगों को बुलाया, जिसमें ये भी शामिल था। पर करीब 42 आवर्स गेम खेलने के बाद इसकी तबीयत खराब होने लगी और तभी इसे हार्ट अटैक आ गया और ये वहीं पे मारा गया। जियांग चैन के आसपास काफी सारे लोग थे पर किसी ने भी इसकी हेल्प नहीं की, जिसकी बात जब इसकी आंखें खुली तो इसके सामने एक लड़की थी जो कि इसे कह रही थी, अगर तुम चले नहीं तो मैं मारी जाऊंगी, प्लीज जल्दी से चलो। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसके साथ हो क्या रहा है। जियांग चैन को लगता है कि वो हेवन में पहुंच गया मरने के बाद। तभी इन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और इनके सामने एक वुल्फ आ जाता है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होता है। जियांग ये सब देख के समझ जाता है ये कोई हेवन नहीं है, ये दरअसल ग्रेट वेस्टलैंड का स्टार्टिंग विलेज है जिसका नाम डेजर्ट ऑफ डेथ है। साथ ही में ये भी समझ जाता है कि ये ग्रेट वेस्टलैंड की एक दुनिया में रिकार्नेट हुआ है। उतने में वो लड़की जियांग चैन को कहती है कि आखिरकार तुम उसे इतना ज्यादा घूर के रहे हो, अगर उसने हमारे ऊपर हमला किया तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। जियांग चैन सोचता है कि आखिरकार ये लड़की है कौन और आखिरकार इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऑर्डर देने की। तभी यहाँ पे वो इनके ऊपर हमला कर देता, पर जियांग चैन को इसकी कमजोरी पता होती है तो ये इसके ऊपर हमला कर देता, पर जैसे ही इसके ऊपर हमला करता है इसकी बॉडी टूट जाती है। जियांग चैन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार इसका हाथ कैसे टूट गया, ये काफी ज्यादा कमजोर होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। पर काफी देर बाद उसे समझ में आ जाता है कि वो एक बिगिनर स्केलेटन सोल्जर की तरह रिकार्नेट हुआ है और साथ ही साथ एक बिगिनर नेक्रोमेंसर ने उसे समन किया है। और तभी वो वुल्फ जियांग चैन के ऊपर अपना पांव रख देता है। जियांग चैन सोचता है कि यही मेरा अंत है। फिर हमें जियांग चैन के बारे में बताया जाता है कि वो पहले एक गेमर हुआ करता था पर एक एक्सीडेंट ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, पर उसके बावजूद उसने हार नहीं मानी, वो नए गेम्स के लिए एक बेटर टेस्टर बन गया। तभी उसे हार्ट अटैक आ गया और वो मरने की कगार पे पहुंच गया और वो मारा भी गया, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। जियांग चैन बस मरते वक्त एक भी रिग्रेट अपने साथ नहीं रखना चाहता, बस उसे एक मौका चाहिए और गॉड उसे वो मौका दे भी देते हैं। जियांग चैन का जो सिस्टम है वो अवेकन हो जाता है, जिसके बाद जियांग चैन की जो हेल्थ है वो पूरी तरह रिकवर हो जाती है क्योंकि उसके अंदर जीने की इच्छा होती है। साथ ही साथ ये सिस्टम जियांग चैन को एक नई स्किल भी दे देती है, जिसका यूज करके वो वुल्फ को दो टुकड़ों में बांट देता है और वो वुल्फ मारा जाता है और सामने वाली लड़की सिर्फ जियांग चैन को ही देख रही होती है। जियांग चैन इस वुल्फ को मार के काफी खुश होता है क्योंकि ये लेवल 3 का वुल्फ होता है, जिसे मारने की वजह से जियांग चैन को 10 पॉइंट्स मिले होते हैं एवोल्यूशन के। जियांग चैन फिर अपने बॉडी के बारे में सोचता है कि इसने सोचा था कि इसकी बॉडी काफी ज्यादा खराब होगी, पर अब ये देखता है तो ये ज्यादा खराब नहीं है। वही भी वो लड़की सोच रही होती है जो स्केलेटन इसने समन किया है वो सचमुच काफी ज्यादा अमेजिंग है। ग्रेट वेस्टलैंड एक ओपन वर्ल्ड गेम है जो कि एक्सट्रीमली रियलिस्टिक है और इसके जो वेपन्स है वो काफी ज्यादा ताकतवर है और साथ ही साथ जो इस गेम का मैकेनिज्म है वो ग्रेट वेस्टलैंड को काफी ज्यादा पोटेंशियल वाला गेम बनाता है। इस गेम में म्यूटेड क्रिएचर को समन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, पर अगर कोई प्लेयर यहाँ पे किसी म्यूटेड क्रिएचर को समन कर लेता है तो वो काफी ज्यादा ताकतवर बन जाता है और उसकी ग्रोथ होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये लड़की कहती है ऐसी बात है तो भी ठीक है, इसका मतलब मैं लकी हूँ कि मैंने एक म्यूटेड क्रिएचर को समन किया है जिसने इतने ताकतवर मॉन्स्टर्स को हरा दिया। इस लड़की की नजर फिर जियांग चैन के ऊपर जाती है, जहाँ पे वो देखती है काफी सारे वुल्फ्स को मार चुका होता है जिन्हें बेच के ये काफी सारे पैसे कमा सकती है। इस लड़की को अब समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इसने उसे समन किया है क्या उसने उसे समन किया है, क्योंकि वो काफी ताकतवर होता है और वो लगातार काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। दरअसल जियांग चैन इतने सारे मॉन्स्टर को इसलिए इतनी आसानी से मार पा रहा होता है क्योंकि उसका लेवल अप हो चुका होता है और इसी वजह से वो काफी आसानी से इन सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। जियांग चैन फिर सोचता है उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका रीकार्नेशन एक गेमिंग की दुनिया ग्रेट वेस्टलैंड के यहाँ पे होगा। जियांग चैन इस लड़की को देख के समझ जाता है कि इस लड़की ने इसे समन किया है, पर बिना वोकल कॉर्ड के वो उस लड़की से बात नहीं कर सकता। पर ये अपने सिस्टम को देख के काफी सरप्राइज होता है क्योंकि इसमें ऐसा है कि अगर ये लगातार मॉन्स्टर्स को मारता रहेगा तो ये लगातार इवॉल्व होता रहेगा और उसकी ताकत बढ़ती रहेगी। जियांग चैन फिर सोचता है कि उसने ऐसा कभी भी नहीं सुना कि एक समन के पास खुद का सिस्टम हो जिससे वो खुद को इवॉल्व कर सकता हो, और वैसे भी एक तो रीकार्नेशन है, इसे बिल्कुल भी नहीं पता कि इवॉल्व होने के बाद ये कैसा बन जाएगा। तभी इसके सिस्टम इसे बताते कि अब ये इवॉल्व हो सकता है क्योंकि इसके पास उतने पॉइंट हो चुके हैं कि ये खुद को इवॉल्व कर सकता है। जियांग चैन फिर इस बारे में थोड़ा सोचता है और यस कर देता है, जिसके बाद ये सोचता है कि आखिरकार ये सिस्टम इसे कहां तक इवॉल्व करेगा। जियांग चैन की फिर इवोल्यूशन शुरू हो जाता है और हम देखते हैं धीरे धीरे करके जो जियांग चैन की बॉडी है वो यहाँ पे पूरी तरह आग में लिपट जाती है, साथ ही साथ उसकी जो स्वाड है वो भी इवॉल्व हो जाती है और हम देखते हैं जो उसकी पूरी स्केलेटन बॉडी है वो पूरी तरह रेड हो जाती है। और इस एवोल्यूशन से इसे काफी सारा फायदा होता है, इसके पास काफी नई नई स्किल्स आ चुकी होती है और जियांग चैन काफी ज्यादा माहिर होता है तलवारबाजी
उसी में। ये फिर सोचता है अगर किसी और को पता चला कि एक समन के पास खुद की विल है और वो खुद से कुछ भी कर सकता है और खुद इवॉल्व भी कर सकता है तो इसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पर इसके बावजूद काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि गिल्ड में और काफी ताकतवर है इसे, और उन्हें हराने के लिए इसे ताकतवर बनना पड़ेगा। अब जियांग चैन इतना ताकतवर बन चुका होता है कि अगर वो इन वुल्व्स को मारे भी वो भी लगातार तो भी वो इवॉल्व नहीं कर सकता, तो वो दूसरे एरिया में जाने का फैसला करता है। और ये भी पता लगाना चाहता है कि आखिरकार ये अपने होस्ट से कितना ज्यादा कनेक्टेड है। पर उससे पहले इस लड़की को उसे अपने साथ दूसरे एरिया में ले जाना पड़ेगा ताकि ये दोनों सेफ हो जाए। जियांग चैन फिर उस लड़की से बात करने के लिए जाता है, पर जब वो लड़की से देखते हैं तो वो कहती है कि तुम थोड़े बदले बदले लग रहे हो, लगता है तुम अपग्रेड हुए हो। हम यहाँ पे नेक्स्ट वेव का आने का इंतजार करेंगे ताकि हम और ज्यादा वुल्फ को मार सके। पर जियांग चैन इसे कहता है कि हमें दूसरे एरिया में चले जाना चाहिए ताकि हम अलग मॉन्स्टर्स को मार सके। पर ये लड़की इसे कहती है ये इसके साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स है जिन्हें ये आसानी से मार रहा है। पर वही पे जियांग चैन सोचता है कि यहाँ पे अगर ताकतवर प्लेयर आ गए तो इसे मार देंगे, जिस वजह से जियांग चैन भी मारा जाएगा। तो ये इस लड़की को अपने कंधे पे उठाता है और यहाँ से जाने लग जाता है। वो लड़की कहती है कि मुझे यहाँ से उतारो, पर यहाँ पे जियांग चैन इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। वही पे हमें दूसरे एरिया में दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हंटर्स के एक ग्रुप को जो कि एक बेयर के सामने होते हैं, और वो बेयर काफी ताकतवर होता है और वो इनके काफी सारे साथियों को मार देता है। और ये देख के इसके काफी सारे साथी भाग जाते हैं। एक सोल्जर कहता है कि आखिरकार तुम मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो। तभी इसके सामने वो भालू आ जाता है। इसे लगता है कि इसके साथी यहाँ पे आ गया, तो ये कहता है कि तुम लोग आ गए मेरी मदद करने के लिए। पर जब ये पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे मैंग मैंग और जियांग चैन होते हैं, जिसे देख के ये डर जाता है। इसे लगता है कि ये घोस्ट है। तभी इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद भालू यहाँ पे जियांग चैन और मैंग मैंग के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। जियांग चैन इस जगह की हालत देख के समझ जाता है कि सभी हंटर्स को इन भालू ने मार दिया है। पर ये सोचता है ये काफी ज्यादा लकी है कि उन हंटर्स की वजह से ये सारे भालू एक जगह इकट्ठा हो चुके हैं। ये फिर मैंग मैंग को नीचे गिरा देता है ताकि वो इन भालुओं से लड़ सके। तभी यहाँ पे भालुओं का पूरा झुंड आ जाता है। मैंग मैंग कहती है कि मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर यहाँ पे ये इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। जियांग चैन इन भालुओं को मैंग मैंग से दूर ले जाता ताकि वो बिना उसी की फिक्र करे इन सभी भालुओं से लड़ सके, और वो ऐसे ही करता है। वो एक एक करके इन सभी भालुओं को दूर ले जाता है और इन सभी से लड़ने लग जाता है। पर जियांग चैन की हेल्थ काफी ज्यादा कम होती है, अगर एक भी भालू ने इसके ऊपर डायरेक्ट हमला किया तो ये मारा जा सकता है। पर जियांग चैन को पता होता है कि आखिरकार इन भालुओं की कमजोरी कहाँ होती है, और वो उसी जगह पे वार करता है। और इन जगहों पे वार करने की वजह से ये भालू बिल्कुल भी अपने हाथ पांव नहीं हिला पा रहे होते हैं। पर एक रीजन की वजह से भालुओं को न्यूबी किलर कहा जाता है, क्योंकि जैसे उन्हें पता चलता है कि उनके हाथ पांव नहीं काम कर रहे हैं वो अपने स्किल्स को एक्टिव कर लेते हैं जो कि होती है पैरालाइज। और जैसे ही वो एक न्यूबी के ऊपर पड़ती है वो पैरालाइज हो जाता है, जिसके बाद ये झुंड में उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और ऐसे ये लोग जियांग चैन के साथ भी करते हैं। ये देख के मैंग मैंग भी जियांग चैन की मदद करने का फैसला करती है, पर जियांग चैन के अंदर ना ही ब्लड है ना ही कुछ, तो उसके ऊपर ये पैरालाइज बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। जिसके बाद वो इन भालुओं के ऊपर हमला कर देता है और एक एक करके इन सभी को मारने लग जाता है। और सिर्फ एक भालू को मारने की वजह से जियांग चैन को 50 एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं, जो देख के वो काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं पे मैंग मैंग सोच रही होती है कि आखिरकार ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। उसे लगता है आखिरकार इसका स्केलेटन जियांग चैन जैसे प्लेयर की कॉपी क्यों कर रहा है। पर वो सोचती है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, शायद से गेमिंग के क्रिएटर्स ने जियांग चैन के लिए कोई ईस्टर एग छोड़ा होगा। पर ये देख के इसके संबंध ने इतने सारे भालुओं को मार दिया, मैंग मैंग काफी खुश होती है क्योंकि इन्हें बेच के ये काफी पैसे कमा सकती है। तभी जियांग चैन के सामने एक स्क्रीन अपीयर होती है जो कि इसके अगले एवोल्यूशन के लिए होता है। इसके अगले एवोल्यूशन के लिए इसे 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। ये हिडन का रास्ता चुनता है। इसे पता नहीं होता कि इसे कमजोर बनाएगी कि ताकतवर, पर ये काफी ज्यादा एफिशिएंट भी है इसे ताकतवर बनाने का, तो ये सही चुनता है। पर इसे अभी भी काफी सारे पॉइंट चाहिए होते हैं, तो इसी वजह से ये काफी सारे भालुओं को और मारने लग जाता है, जो देख के ये भालू काफी ज्यादा डर जाते हैं। पर फिर भी वो इसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश करते हैं, पर जियांग चैन इन्हें बहुत बुरी तरह मारता है। एक एक करके हर भालुओं को वो मारने लग जाता है। जियांग चैन फिर देखता है क्या इसके पास उतने पॉइंट्स हो चुके हैं जिससे ये इवॉल्व कर सके, पर इसके अभी भी 20 पॉइंट्स बचे हुए होते हैं, तो ये काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। पर ये देखता है यहाँ पे एक भी भालू नहीं होता जिसे अब तक इसने मारा नहीं होता। पर बेशक इसे एवोल्यूशन पॉइंट्स ना मिले हो, पर इसने सारे भालुओं को वक्त पे मार गिराया। तभी इसका सिस्टम इसे वार्निंग देता है कि हिडन बॉस यहाँ पे आने वाला है, जिसके बाद ये उसे देखने के लिए वहाँ पे चले जाता है। इसे पता होता है कि वो बॉस काफी ज्यादा ताकतवर होगा, सिर्फ लेवल 10 के प्लेयर ही उसे हरा सकते हैं। पर देखने में क्या जाता है, जियांग चैन फिर पेड़ के पीछे छुप के उसे देखने लग जाता है, और ये होता है बेयर माउंटेन का किंग। ये देख के ये काफी हैरान होता है क्योंकि इसका लेवल 15 का होता है। जियांग चैन पहले सोचता है कि वो पीछे से हमला करके इसे मार दिए, पर उसे समझ में आ जाता है ये काफी ज्यादा ताकतवर है और उसका लेवल अभी काफी ज्यादा कम है, तो ये इसके ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता, तो ये पीछे हटने का फैसला करता है।
है और वापस उसी जगह पे जाके उन बियर्स का इंतजार करने लग जाता है जिन्हें मार की वापस इवॉल्व होगा और उस बियर को मार गिराएगा। तभी जियांग चैन को एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है जो कि ये बताता है कि वो मैंग मैंग से कितना ज्यादा कनेक्टेड है, जिसके बाद ये उसी जगह पे जाने लग जाता है जहाँ पे मैंग मैंग होती है। पर वो समझ जाता है कि अभी वो क्या कर रही होगी, वो सिर्फ बियर्स को देख रही होगी और वो सोच रही होगी कि आखिरकार वो कितने ज्यादा पैसे कमा सकती है। पर वो देखता है कि यहाँ पे काफी सारे लोग मैंग मैंग के यहाँ पे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि आखिरकार इतने सारे भालुओं को किसने मारा। तभी इनके ग्रुप का लीडर ने कहता है कि आसपास ढूंढो, वो बंदा आसपास ही होगा जिसने इन भालुओं को मारा होगा, क्योंकि ब्लड की जो स्मेल है वो काफी ज्यादा फ्रेश है, इन भालुओं को अभी भी मारा गया है। ये लोग फिर आसपास ढूंढने लग जाते हैं तो एक प्लेयर को यहाँ पे मैंग मैंग दिख जाती है। वो इससे पूछता है कि आखिरकार तुम हमारी टेरिटरी में क्या कर रही हो। ये फिर अपने साथियों को बुला लेता है, वो कहता है कि मुझे एक लड़की दिखी है जो कि काफी सस्पिशियस लग रही है मुझे, पर ये कहती है कि मेरा समन जो है वो मेरे से दूर भाग गया है, मैं उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आई हूँ। और ये लोग इसकी बात का विश्वास नहीं करते और इसे पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारे टीममेट्स कहाँ पे है। मैंग मैंग बताते कि मेरे कोई टीममेट्स नहीं है, तो ये अपने साथी को कहता है कि इसको पकड़ लो और इसे पूछो कि आखिरकार इसके टीममेट्स कहाँ पे है। मैंग मैंग इनसे लड़ने का फैसला करती है, पर वो मैजिशियन अपनी स्किल का यूज करके ये पता लगा लेता है कि मैंग मैंग झूठ नहीं बोल रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से भालुओं के ऊपर हमला किया गया है वो मैंग मैंग बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसका जो लेवल है वो 9 का है और साथ ही साथ वो किसी भी टीम में नहीं है। ये अपने साथियों को सब कुछ क्लियर कर देता है। तो इसके ग्रुप का लीडर इसे कहता है कि वो लड़की तुम्हारी है, जो तुम चाहे उस लड़की के साथ कर सकती हो। तो यहाँ पे ये मैंग मैंग के ऊपर हमला करने लग जाता है। वो इसे बताते तुम्हें पता है ग्रेट वेस्टलैंड गेम में क्या मजेदार है, इसमें तुम इन स्किन को भी काफी अच्छे से महसूस कर सकती हो। पर इससे पहले ये मैंग मैंग को हार्म पहुंचाता है, यहाँ पे पीछे से जियांग चैन आ जाता है जो कि उसका हाथ काट देता है और ये अपने साथियों को चिल्ला के बुला लेता है। तभी यहाँ पे जियांग चैन यहाँ पे मैंग मैंग को अपने कंधे पे उठा के यहाँ से भागने लग जाता है। यहाँ पे इनके साथी समझ आते हैं कि वो उसका संबंध था जिसने इन सभी बियर्स को मारा है और ये इसका पीछा करने के लिए कहता है अपने साथियों को, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांग चैन और मैंग मैंग को। मैंग मैंग कहते हैं कि मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद से भाग सकती हूँ, पर जियांग चैन इसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता। ये देख के मैंग मैंग को लगता है कि कहीं लिटिल स्केलेटन के अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग तो नहीं है। तभी यहाँ पे जियांग चैन इसे झाड़ियों में फेंक देता और खुद यहाँ से भागने लग जाता है। यहाँ पे ये सोचती है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। कुछ ही देर बाद ही उन्हीं हंटर्स को देखती है और वो समझ जाते हैं कि उसने जानबूझ के इसे झाड़ियों में फेंका ताकि वो इन सबको डिस्ट्रैक्ट कर सके। जियांग चैन फिर इन्हें अपना पीछा करवाते हुए काफी दूर ले आते हैं और ये काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, खासकर कि वो पर्सन जिसका हाथ जियांग चैन ने काटा होता है। जियांग चैन बीच बीच में इनके ऊपर हमला भी कर रहा होता है। जियांग चैन फिर एक जगह रुक जाता है, पर ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे मैंग मैंग गायब हो चुकी होती है। तो यहाँ पे इनके ग्रुप का लीडर कहता है कि आसपास देखो, वो लड़की आसपास ही छुपी होगी। पर यहाँ पे इस लीडर को काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा होता है, वो सोचता है कि चलो वापस चलते हैं, ये किसी काम का नहीं, उस लड़की को हमें ढूंढना पड़ेगा। पर इसके साथी को अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है जियांग चैन के ऊपर। वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम एक समन हो और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी हाथ काटने की। और ये अपने वेपन्स का यूज करके स्केलेटन यानी कि जियांग चैन के ऊपर हमला कर देता है, पर जियांग चैन अपनी तलवार से इसी के वेपन को इसी की तरफ फेंक देता है। ये देख के इनका लीडर काफी ज्यादा घबरा जाता है, वो कहता है वो लड़की आसपास ही होगी, पहले हम स्केलेटन को मारेंगे जिसके बाद हम उस लड़की को ढूंढेंगे। ये सब फिर मिलके जियांग चैन के ऊपर हमला कर देते हैं, पर एक भी हमला जियांग चैन को नहीं लगता क्योंकि वो काफी ज्यादा तेज होता है। तभी इनका सिस्टम इन्हें बताता है कि इन्हें हिडन बॉस ने नोटिस कर लिया है। ये देख के ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी वो हिडन बॉस इनके ऊपर हमला कर देता है यानी कि बियर्स का किंग। ये देख के ये बिल्कुल समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये बॉस यहाँ पे क्या कर रहा है, पर इस आदमी को लगता है कि ये जरूर से उसी लड़की की चाल होगी यानी कि मैंग मैंग की। पर तभी वो भालू इसके साथियों के ऊपर हमला करके एक एक करके उन्हें मारने लग जाता है। ये काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि आखिरकार ये इस हिडन बॉस का सामना कैसे करेंगे। पर कुछ ही देर में ये सब समझ आते ये चाहकर भी उसको मार नहीं सकते, तो ये लोग यहाँ से भागने लग जाते हैं। तब यहाँ पे जियांग चैन आके अपनी तलवार की मदद से इन दोनों को ही मार गिराता है और इसे एवोल्यूशन के वो 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं जिससे अब ये इवॉल्व कर सकता है और आसानी से इस भालू को मार सकता है। तभी वो भालू जियांग चैन के ऊपर पीछे से हमला कर देता है, पर इससे पहले वो इसके ऊपर हमला करता जियांग चैन अपने एवोल्यूशन पॉइंट्स का यूज करके इवॉल्व हो जाता है और वो इसके हमले को एक ही हाथ से रोक देता है। एवोल्यूशन के साथ जियांग चैन को काफी सारी नई स्किल्स भी मिलती है जिसकी मदद से वो इस बेयर के ऊपर हमला कर देता है और साथ ही साथ उसे एक प्रोटेक्शन की लेयर भी मिलती है। पर इसके बावजूद ये बेयर काफी ज्यादा ताकतवर होता है, ये जियांग चैन के ऊपर वार पे वार किए जा रहा होता है। जियांग चैन समझ आता है इसकी आंख को इसे ब्लॉक करना पड़ेगा और जियांग चैन ऐसे ही करता है, वो अपने स्किल्स का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है। पर जैसे ही इसकी आंखें ब्लॉक होती है ये अपनी ग्रेविटी का पावर का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है, पर जियांग चैन बिल्कुल भी हार नहीं मानता। वो अपनी पूरी ताकत का यूज करके इस भालू के ऊपर हमला कर देता है और उसके सर के ऊपर वार कर देता है अपनी तलवार से। तभी ये भालू जियांग चैन को एक अजीब दुनिया में ले जाता है जहाँ पे वो कहता है कि प्लेयर मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था काफी समय से। जियांग चैन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ये इसके साथ कैसे बात कर रहा है। ये इसे बताता है कि मैं तुम्हें एक स्पेशल चीज देना चाहता हूँ। तभी इसकी स्किल एक्टिव हो जाती है और ये जियांग चैन के ऊपर हमला करने लग जाता है, पर जियांग चैन को इसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वही पे हम देखते हैं मैंग मैंग को जो कि जियांग चैन के वहाँ पे जा रही होती है। वो इस बार जियांग चैन को बचाना चाहती है क्योंकि जियांग चैन ने इसकी जान काफी बार
बार बचाइए, तब ये देखते है कि ऊपर से कुछ आ रहा है और ये होता है उसी भालू का सर जो कि जैंग चैन ने काट दिया होता है और ये सीधे आके इसके ऊपर गिरता है। पर इसका इस वजह से लेवल अप हो जाता है क्योंकि इसके सामने एक बॉस को मारा होता है। कहानी की शुरुआत में हमें टाइगर हंटर गिल्ड के हेडक्वार्टर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिन्हें जियांग चैन ने हराया था। यहाँ पे वो अपने बॉस चैंग को बता रहे होते हैं कि हमारी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए सर। पर इनका बॉस इन्हें कहता है कि आखिरकार तुम मुझे क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो, तुम्हारी वजह से हमने बे टेरिटरी को खो दिया और साथ ही साथ तुमने एक न्यूबी को हिडन बॉस को मारने दिया, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मुझे कितना ज्यादा लॉस हुआ है। ये लोग कहते हैं कि सर मुझे एक और चांस दीजिए, पर ये कहता है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पे रखने का मतलब ही क्या बनता है, तुम सब मिलकर भी एक न्यूबी को नहीं हरा पाए जो कि सिर्फ 10 लेवल का था। पर वो कहते हैं कि सर जैसा आपको दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कहता है कि आखिरकार फिर मैंने तुम्हें काम पे रख क्यों रखा है, जिसके बाद ये इसे मार देता है। ये फिर कहता है कि 3 vs 1 में ये सभी के सभी मारे गए और साथ ही साथ उसने हिडन बॉस को भी मार गिराया, ये सभी के सभी ट्रैश है और किसी काम की भी नहीं आई है। पर अच्छा हुआ ये सब वैली टेरिटरी के यहाँ पे नहीं हुआ, क्या वैली के वहाँ पे सब काम अच्छे से चल रहा है। तो इसका सेक्रेटरी कहता है कि आप चिंता मत करिए गिल्ड मास्टर, वहाँ पे बिना इश्यू के सब कुछ ठीक चल रहा है। ये फिर अपने सेक्रेटरी को इस न्यूबी प्लेयर को मारने के लिए कहता है जो कि मैंग मैंग होती है। वहीं पे हमें बेर माउंटेन के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कुछ स्केलेटन्स को जिसे मैंग मैंग ऑर्डर दे रही होती है। वो कहती है कि आखिरकार तुम दोनों इतने ज्यादा आलसी क्यों हो, तुम्हारा जो स्केलेटन भाई है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिरकार तुम अपने सीनियर से कुछ सीखते क्यों नहीं हो, वो अकेले ही एक बॉस मॉन्स्टर को मार सकता है, उसके अंदर इतनी ताकत है। जिसके बाद हम देखते हैं मैंग मैंग को जिसे एक नया सूट मिल चुका होता है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होता है और साथ ही साथ इसे नई एबिलिटीज भी मिली होती है और इसका लेवल अप भी हुआ होता है। पर मैंग मैंग को यहाँ सिर्फ पैसों की चिंता होती है, तभी वो यहाँ पे इसे बताती है कि हमें सिटी के वहाँ पे जाके ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन करवा लेना चाहिए जिससे मैं तो और ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगी। मैंग मैंग फिर एक स्केलेटन को डांटने लग जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा आलस दिखा रहा था। वहीं पे जियांग चैंग सोच रहा होता है जो कॉस्ट्यूम उसने पहन रखा है वो $10,000 का है, वो एक फैशन इक्विपमेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, पता नहीं इस लड़की से मुझे कब छुटकारा मिलेगा। मैंग मैंग फिर अपने स्टेटस को देखता है जो कि काफी अच्छा होता है और साथ ही साथ इसे एक स्किल भी मिली होती है जो कि इसके काफी ज्यादा काम की होती है, पर उसे इवॉल्व करने के लिए इसके पास उतने पॉइंट नहीं होते जितने उसे चाहिए होते हैं और यहाँ पे सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उसे सिर्फ 10 से 20 पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। जियांग चैंग फिर सोचता है कि उस लड़की का भी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट करवाना जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, अगर वो ताकतवर बनेगी तो मैं भी ताकतवर बन जाऊंगा। तभी यहाँ पे मैंग मैंग जियांग चैंग को बताते कि उसे एक ट्रेजर बॉक्स मिला है, जिसके बाद जब जियांग चैंग उस ट्रेजर बॉक्स के पास जाता है तो वो समझ जाता है कि वही ट्रेजर बॉक्स है जो कि उस बेर ने ड्रॉप किया था। दरअसल जियांग चैंग ये भूल ही गया था कि जब भी कोई बॉस मरता है तो वो अपने पीछे एक ट्रेजर बॉक्स छोड़ के जाता है। तभी यहाँ पे मैंग मैंग इसे कहते कि लिटिल स्केली वहाँ पे देखो, वहाँ पे कुछ चीज है, और जब जियांग चैंग उधर देखता है तो ये एक रेयर स्किल बुक होती है जो कि हर क्लास के लिए होती है और साथ ही साथ एक स्किल भी जो कि थंडर स्ट्राइक स्किल होती है जिससे कि ये काफी ताकतवर बन सकता है। तभी यहाँ पे मैंग मैंग जियांग चैंग को कहती है लगता है तुम्हें स्किल बुक काफी ज्यादा पसंद आ गई, अगर तुम ये पसंद है तो तुम उस चीज को रख सकती हो, ये तुम्हारी वजह से कि मेरे पास इतने सारे मटेरियल और पैसे है। जियांग चैंग मैंग मैंग की इतनी दरिया दिली देख के ये सोचता है कि ये लड़की सचमुच काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे लगता था कि ये लड़की सिर्फ मनी माइंडेड है। तभी यहाँ पे मैंग मैंग कहती है कि अगर तुमने एक बार ये स्किल सीख ली तो हम और ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे, जिसके बाद हम और ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। जिसके बाद यहाँ पे जियांग चैंग यहाँ पे स्किल को सीख लेता है और ये देख के कि जियांग चैंग ये स्किल सीख ली है, मैंग मैंग इसे कहती है क्या तुम मुझे दिखा सकती हो, तो यह जियांग चैंग इसे ये दिखाने का फैसला करता है। ये होती है थंडर स्ट्राइक, ये जैसे स्किल को यूज करता है इसे आसपास के एरिया तबाह हो जाती है और ये देख के कि इसके स्किल ने आसपास के एरिया तबाह कर दिया है, मैंग मैंग काफी ज्यादा खुश होती है और वो इसके लिए तालियां भी बजाती है। पर यहाँ पे जियांग चैंग समझ जाता है ये स्किल काफी ज्यादा वीक है जिसकी वजह से इसे इवॉल्व करना पड़ेगा और जियांग चैंग ऐसे ही करता है, वो अपने सारे इवोल्यूशन पॉइंट को इस स्किल को इवॉल्व करने में लगा देता है, जिसके बाद इसकी जो स्किल है वो इवॉल्व हो जाती है और इसके एक ही वार से आसपास के एरिया एकदम तहस नहस हो जाते हैं और इसके रिजल्ट देख के ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ये कहता है कि मुझे ऐसे रिजल्ट चाहिए था, ऐसा रहा तो मैं जल्दी ही इवॉल्व करके काफी सारे पॉइंट्स कमा लूंगा। ये फिर मैंग मैंग का हाथ पकड़ता है और उसे यहाँ से भगा के ले जाने लग जाता है। मैंग मैंग इसे कहती है क्या तुम मुझे प्रिंसेस की तरह उठा सकते हो, पर यहाँ पे जियांग चैंग इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता, ये सिर्फ यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि इस लड़की की स्पेशलाइजेशन कंप्लीट करने के लिए इन्हें मेन सिटी के वहाँ पे जाना पड़ेगा, जिसके लिए इन्हें वैली टेरिटरी के वहाँ से गुजरना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें ग्रेट वेस्टलैंड के बारे में बताया जाता है कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट गेम है और साथ ही साथ इसके एक फाइनल मिशन के बारे में जो कि डेंजोंग में होता है, जिसके अंदर काफी सारे रेयर आइटम मिलते हैं, पर इन डेंजोंग को पार करना आसान नहीं होता क्योंकि हालात के साथ ये डेंजोंग भी अपना लेवल अप करती रहती है और इन डेंजोंग में काफी रेयर आइटम मिलते हैं, तो एडवेंचर हमेशा ट्राई करते रहते हैं इन डेंजोंग को ढूंढने की। इसी वजह से जब ये गेम चालू हुआ था तो काफी सारे लोगों ने यहाँ पे अपना मोनोपोली चलाने के लिए यहाँ पे अलग अलग गिल्ड तैयार कर लिया और अलग अलग एरिया को अपने कब्जे में कर लिया। बेयर माउंटेन और वैली टेरिटरी टाइगर हंटिंग गिल्ड के अंदर आती है, इसी वजह से वो उसकी रखवाली करते
करती रहती है। और वो इसलिए ये सब करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हिडन डेंजोंग कभी भी इनकी एरिया में अपीयर हो जाता है। वही पे हमें वैलिड टेरिटरी की एंट्रेंस की यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो की टाइगर हंटिंग गिल्ड के यहाँ से होते हैं। और ये लोग बात कर रहे होते हैं की आखिरकार बॉस ने हमें यहाँ पे क्यूँ भेजा, जबकि बेयर माउंटेन के ऊपर किसने कब्जा कर रखा है। तभी दूसरा वाला कहता है की हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिरकार हम यहाँ पे बैठ के कर के रहे। तो यहाँ पे रेड वाला कहता है लगता है तुम लोगों को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आया, जो बेयर माउंटेन है वहाँ पे हिडन बॉस दोबारा से अपेयर नहीं होने वाला, इसी वजह से वो जगह हमारी बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है। अगर उस जगह को हमारी जगह से कंपेयर करें तो यहाँ का हिडन डेंजोंग अब तक क्लियर नहीं हुआ है, इसी वजह से बॉस ने हमें इस मिशन पे भेजा है। और अगर वो लोग यहाँ पे आते हैं तो हम उन्हें पकड़ के और उनके मटेरियल लूट के काफी ज्यादा रिच बन सकते हैं। ये लोग फिर से बताते हैं कि आखिरकार आपको इतना ज्यादा कैसे पता है। तो ये इन्हें बताता है कि गिल्ड ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि उस प्लेयर का ज्यादा लेवल नहीं है और हर एक प्लेयर को लेवल 10 के बाद ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन से गुजरना पड़ता है और वो पक्के से इसी रास्ते से मेन सिटी के वहाँ पे जाएगी, जिसके बाद हम उसे पकड़ लेंगे। तो ये लोग इसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि भाई सच मुझे आप काफी ज्यादा गिफ्टेड स्टूडेंट हो, इसी वजह से आपके एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आते हैं। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तभी इन्हीं में से कहते हैं कि मैंने सुना है कि वो पर्सन एक पर्वर्ट है और साथ ही साथ वो एक नेक्रोमेंसर है जो कि साइको है और उसका वेट 200 किलो के ऊपर है और वो प्लेयर्स के साथ काफी अजीब हरकत करती है। तो ये कहता है कि हाँ मुझे इन जैसे पर्व से काफी ज्यादा नफरत है, पर तुम चिंता मत करो मेरे पास काफी अच्छे इक्विपमेंट है जो कि बड़े से बड़े हमला झेल सकते हैं और ये काफी ज्यादा ताकतवर इक्विपमेंट है और साथ ही साथ मेरे पास होली लाइट भी है जिसकी मदद से मैं उस नेक्रोमेंसर की पावर को सप्रेस कर दूंगा, जिसके बाद वो अपने समन्स को नहीं बुला पाएगी और हम उसे पकड़ लेंगे। ये लोग फिर इसकी तारीफ करते हुए कहते कि भाई आप सचमुच काफी ज्यादा स्मार्ट हो, वो नेक्रोमेंसर आपके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगी और आपकी इस पावर से हम उसे पकड़ लेंगे, जिसके बाद हमें रिवॉर्ड भी मिलेगा गिल्ड की तरफ से, आप सचमुच काफी ज्यादा महान हो। तब ये लोग देखते हैं यहाँ पे अजीब सी लाइट इन्हें चारों ओर से घेर लेती है। इन्हें काफी देर तक समझ नहीं आता कि आखिरकार इनके साथ हो क्या रहा और ये अजीब सी लाइट कहाँ से आ रही है। पर कुछ ही देर बाद एक प्लेयर कहता है कि मुझे लगता है कि हमने एक हिडन बॉस को ढूंढ निकाला है और हमें अब उससे लड़ना पड़ेगा चाहे जो हो जाए। पर ये लोग कहते हैं कि हम चाहकर भी उस बॉस को हरा नहीं सकते, ये काफी ज्यादा ताकतवर है। इन्हें अब समझ में आ चुका होता है ये चाहकर भी उस बॉस को नहीं हरा सकते, तो ये लोग पीछे हटने का फैसला करते हैं। पर अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, वो बॉस इन सभी को मार गिराता है। कुछ देर बाद यहाँ पे जेंग चैन और मैंग मैंग आ जाते हैं और हमें पता चलता है ये हमला जेंग चैन ने किया था कुछ मॉन्स्टर्स के ऊपर। तब यहाँ पे मैंग मैंग जेंग चैन को कहती है कि लिट्स केली उधर देखो, वो मुझे प्लेयर्स की बॉडी लग रही है। और जब जेंग चैन उन्हें देखता है तो उसे लगता है कि ये प्लेयर्स उसके थंडर स्ट्राइक की वजह से मारे गए, पर ये सोचता है कि आखिरकार ये झाड़ियों के पीछे क्यों छुपे हुए थे। तभी ये देखता है कि इनके यहाँ आर्मर के ऊपर टाइगर हंटिंग गिल्ड का एक बैज होता है। ये सोचता है कि आखिरकार ये सब प्लेयर यहाँ पे हाई इक्विपमेंट के साथ क्या कर रहे थे। थोड़ी देर बाद इसे एहसास हो जाता है कि ये सब इसी का यहाँ पे इंतजार कर रहे थे ताकि वो इसे मार सके या फिर पकड़ सके। जेंग चैन समझ चुका होता है अगर इसे आगे जाना है तो इसे कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ेगी जिसके बाद ये आगे जा पाएगा। तब यहाँ पे मैंग मैंग इसे बताते हैं कि लिटिल स्केलेटन इधर देखो, वो यहाँ पे जिंदा है। और हम देखते हैं ये वही रेड सूट वाला होता है जो कि समझ चुका होता है अब ये इनसे जीत नहीं सकता, ये काफी ज्यादा ताकतवर है, तो ये गिल्ड से मदद मंगाने लग जाता है। पर इससे पहले ये मदद मंगाता यहाँ पे जेंग चैन इसके हाथ को पकड़ लेता है और जमीन पे तलवार की मदद से गाड़ देता है। इसके बाद ये इसके आर्मर को निकाल लेता है और इसके हाथों को बांध देता है। पर इसे पता चलता है ये तो एक लड़की होती है। वो लड़की फिर इन्हें कहते कि गिल्ड ने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी थी, तुम लोग बिल्कुल एक नंबर के पर्वर्ड हो। तभी उतने में जेंग चैन मैंग मैंग को समझाने लग जाता है कि ये लड़की हमारे लिए खतरनाक है और इसने इसे इसलिए बांध रखा है क्योंकि ये खुद को मार के ऑफलाइन ना चली जाए। वहीं पे ये लड़की सोच रही होती है कि इस लड़की का दिमाग खराब है, आखिरकार ये समन से कैसे बात कर रही है। मैंग मैंग फिर इस लड़की से बात करने के लिए आ जाती है। वो कहती है कि मुझे माफ करना, हमने गलती से तुम्हें चोट पहुंचा दी, पर हमारे कुछ सवाल है जिसके आंसर तुम्हें देने पड़ेंगे। पर ये लड़की कहती है मैं बिल्कुल भी आंसर तुम्हें नहीं देने वाली, बेशक तुम मुझे मार दो, मुझे तुम जैसे पर्वर्ट से नफरत है, खास तर की फीमेल से, बस मुझे मार दो, पर मुझे ह्यूमिलेट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तभी मैंग मैंग कहती है कि आखिरकार तुम पर्वर्ट किसे कह रही हो, हम बस तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पर ये लड़की कहती है कि बेशक मैं भूख के कारण मर जाऊं पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलने वाली। तभी यहाँ पे जेंग चैन आ जाता है, तो यहाँ पे मैंग मैंग उसे कहती है कि हमें प्लान बी को यूज करना चाहिए, इससे पहले हम इस चीज को यूज करें। पर जेंग चैन इसकी बात नहीं सुनता, तो वो लड़की कहती है कि ठीक है मुझे मार दो, मुझे उस फीमेल पर्वर्ट से टॉर्चर नहीं होना है। पर जेंग चैन 50 सिल्वर कॉइन रख देता है इन्फॉर्मेशन देने के बदले में। तो यहाँ पे मैंग मैंग उसे कहती है कि मैंने कहा था ना कि वो बिल्कुल भी मनी में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें पैसों को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर उतने में वो लड़की कहती है कि लिटिल गर्ल तुमने मुझे बिल्कुल सही पर कहा, तुम मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहती थी ना, तुम कुछ भी पूछ सकती हो, मैं तुम्हें कुछ भी बताने के लिए तैयार हूँ। जेंग चैन फिर मैंग मैंग को इशारे में कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम टाइगर गिल्ड के बारे में उसे सारी चीजें पूछ लो। कहानी की शुरुआत में हमें मैंग मैंग को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की से सारे सवाल पूछ लेती है और वो इसके सारे सवालों का जवाब दे देती है। वो लड़की
लड़की फिर मैंग मैंग को कहती है कि मैंने तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दिया है, और क्वेश्चन तो तुम्हें नहीं करने आना। ये कहती है कि मैंने इसके लिए पेमेंट किया, तो मुझे झूठ बोलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। ये लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला है। ये फिर सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये छोटी बच्ची इतनी ज्यादा रिच होगी। जिसके बाद ये यहाँ पे मैंग मैंग को कहती है कि मैंने जैसा सोचा था तुम उससे बिल्कुल डिफरेंट हो। तो यहाँ पे मैंग मैंग पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है और तुम मेरे पास क्यों आ रही हो। ये लड़की कहती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई पावर नहीं हूँ। मैंग मैंग कहती है कि तुम थोड़ी बहुत लगती हो। और इससे पहले ये मैंग मैंग को छुपाती यहाँ पे जेंग चैन इसका हाथ पकड़ लेता है। तो ये कहती है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे डरने की क्या जरूरत है, तुम लोगों ने मेरे वेपन्स भी ले रखे है। मैंग मैंग कहती कि हमें जरूरत है क्योंकि तुम्हारा शुरू से ही प्लान था हमारे ऊपर हमला करने का, और तुम हमारे साथ अब कोऑपरेट कर रही हो, तुम थोड़ी सस्पिशियस लग रही हो मुझे। ये लड़की कहती कि तुम्हारा सस्पिशियस से मतलब क्या है, वो गिल्ड है जो कि तुमसे बदला लेना चाहता है, ना कि मैं और मेरे दोस्त सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। वैसे तो तुम्हारी वजह से हमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, पर तुम लोगों ने हमें पैसे दे के उस चीज की भरपाई कर दी है, और साथ ही साथ मैंने अपने टीममेट्स को झूठ बोल दिया है कि जो हम पे हमला हुआ था वो कुछ मॉन्स्टर्स ने किया था, तो तुम्हें पकड़े जाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें हक करना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारी जो ड्रेस है वो काफी ज्यादा क्यूट है। तो मैंग मैंग कहती कि ठीक है, इस बार मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ। ये फिर मैंग मैंग को पीछे से उठा लेती और कहती कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग तुम्हें चेज नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ तुम्हें पकड़ने का आइडिया हमारा था ना कि गिल्ड का। जिन प्लेयर्स को तुम्हें पकड़ने के लिए कहा गया है वो अभी भी बेर माउंटेन के वहाँ पे होंगे, और जिस स्पीड से तुम चल रहे हो तुम्हें पकड़ना मुश्किल है। और अगर फैक्ट्स की बात करें तो तुम रिच और केपेबल भी हो दूसरे से लड़ने की, और उनके लोअर लेवल है तो वो लोग तुम्हारे हाथों मारे ही जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंग मैंग कहती कि तुम मेरी ज्यादा ही तारीफ कर रही हो, मैं बस लकी थी। तभी ये लड़की कहती कि अपने गार्ड को कभी भी डाउन मत करना क्योंकि वैली के जैसे इलाके से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। मैंग मैंग इसे पूछती है कि आखिरकार ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे ये कहती कि वैली के जैसा इलाका हैवीली गार्डेड होता है गिल्ड के द्वारा, और काफी सारे प्लेयर रिसेंटली यहाँ पे डिस्पैच किए गए हैं क्योंकि यहाँ पे वो इस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मैंने सुना है कि हार्ट ऑफ वैली टेरिटरी के यहाँ पे कुछ हुआ है, इसी वजह से हम जैसे प्लेयर जो कि बॉर्डर के वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं उन्हें यहाँ पे टेरिटरी के अंदर पेट्रोलिंग के लिए भेज दिया गया है। और मैंने ये भी सुना है कि वो प्लेयर जो कि लेवल 15 के ऊपर है वो सब इस वैली टेरिटरी के अंदर है ताकि वो हेल्प कर सके इस जगह को प्रोटेक्ट करने में। तो ये एक मेटल के ड्रम जैसा बन गया है, किसी को पता लगे बिना आपका यहाँ से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। और हमारे गिल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर वाइस प्रेसिडेंट वाइपर वो डेफिनेटली हार्ट ऑफ वैली के टेरिटरी के वहाँ पे होंगे। वो लेवल 30 के प्लेयर है जो कि ऑलरेडी सेकंड स्पेशलाइजेशन से गुजर चुके एक SSN के तौर पर वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। बेशक तुम कितने ताकतवर बन जाओ तुम उन्हें कभी भी नहीं हरा सकते। और एक और चीज मैं मेंशन करना भूल गई कि तुम एक अभी की प्लेयर हो जिसके ऊपर वो लोग अभी नजर रख रहे हैं। तुम एक अनस्पेशलाइज फीमेल नेक्रोमेंसर हो जो कि खुद के लिए खेलती है, तुम्हें पहचानना काफी ज्यादा आसान है। साथ ही साथ तुम अब तक सिर्फ 10 लेवल को रीच कर पाई हो, और अगर उन लोगों ने एक साथ मिलकर तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया तो उनके सामने तुम बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगी। अगर तुम सचमुच वैली टेरिटरी से निकल के मेन सिटी तक पहुंचना चाहती हो और ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन करवाना चाहती हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा सेफ रास्ते से गुजरना पड़ेगा। मैंग मैंग फिर जेंग चैन से पूछती है कि लिटिल स्केलेटन अब हम क्या करें। वहीं पे जेंग चैन सोच रहा होता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये जगह उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये जगह सचमुच वैली टेरिटरी है तो इसका मतलब यहाँ के डेंजोन काफी अजीब तरीके से चेंज होते रहते हैं, और रिजल्ट के तौर पर यहाँ पे NPC सभी को मिशन देता है जो कि टेरिटरी के अंदर होते हैं। पर बेर माउंटेन को छोड़ के यहाँ पे वैली टेरिटरी के पास खुद का एक कंप्लीट गेम सिस्टम है जो कि रेगुलरली हर किसी को डेंजोंग देते रहता है, और सिर्फ प्लेयर्स को इतना ही करना पड़ता है कि उन्हें हिडन डेंजोंग ट्रिगर करने के लिए यहाँ पे टेरिटरी के अंदर रहना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें डेंजोंग से रिलेटेड एक मिशन मिल जाता है। पर ग्रेट वेस्टलैंड का एल्गोरिथम काफी जल्दी से चेंज होता है, और इसी वजह से आप यहाँ पे ट्रिगर कर पाते हो ईस्ट रैक को जो कि आपको NPC देता है, पर उसी के साथ आपको रैंडम मिशन भी दिए जाते हैं, और ये आपके ऊपर आ जाता है कि आप इस डेंजोंग को क्लियर कर पाओगे कि नहीं, ये आपके ऊपर होता है। पर इस चांस को मैं मिस नहीं कर सकता क्योंकि टाइगर हंटिंग गिल्ड काफी सारे प्लेयर्स को यहाँ पे बुला चुका है ताकि वो इस मिशन को कंप्लीट कर सके। इसका मतलब ये मिशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, पर इससे पहले मैं प्लान बनाऊं मुझे यहाँ पे मिशन के बारे में कुछ पता लगाना पड़ेगा। तभी जेंग चैन को उन डेड प्लेयर्स की आर्मर दिखते हैं और उसे एक आइडिया आ जाता है, और ये प्लान जेंग चैन मैंग मैंग को उस लड़की को बोलने के लिए कहता है। वो लड़की फिर कहती है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हार्ट ऑफ वैली के वहाँ पे ले जाऊँ। मैंग मैंग कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, अगर लिटिल स्केली तुम्हारे दोस्तों के इक्विपमेंट पहन ले तो हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। यहाँ पे ये लड़की कहती है कि मैं तो सिर्फ पैसे कमाना चाहती हूँ, मैं गिल्ड से बाहर नहीं निकलना चाहती, मैं ये नहीं करने वाली। हमारे जैसे अनस्पेशलाइज्ड प्लेयर का कोई भी फ्यूचर नहीं होता गेमिंग में, इसी वजह से हमें गिल्ड के ऊपर रिलाय करना पड़ता है।
तो मैंग मैंग कहती कि ठीक है मैं तुम्हें एक सिल्वर कॉइन दूंगी। तो ये कहती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, तुमने अभी मुझे 50 सिल्वर कॉइन दिए इन्फॉर्मेशन बताने के बदले में और तुम मुझे एक सिल्वर कॉइन दे रही हो तुम्हें गाइड करने के बदले में, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो मैंग मैंग कहती कि ठीक है मैं काफी ज्यादा गरीब हूँ तुम्हें कितने चाहिए, तो ये कहती कि तुम्हें कम से कम मुझे 50 सिल्वर कॉइन देने पड़ेंगे। तब यहाँ पे जेंग चेन एक गोल्ड कॉइन निकाल लेता है, यहाँ पे मैंग मैंग उसे ये देने से रोकती है पर ये कहती कि ठीक है मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। ये फिर इन्हें कहती कि मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ, जहाँ से गिल्ड ने मुझे भेजा था मैं तुम्हें वहाँ पे भेज दूंगी पर उसके बाद सब तुम्हारे ऊपर होगा। वैली टेरिटरी काफी ज्यादा डेंजरस है तो कान खोल के सुन ले, कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश मत करना। तो यहाँ पे मैंग मैंग कहती है कि हमारे पैसे लेने के बाद तुम आखिरकार हमें इतना ज्यादा क्यों सुना रही हो। तो ये लड़की कहती कि यहाँ पे सिर्फ प्लेयर्स नहीं है, यहाँ पे काफी सारे डेंजरस मॉन्स्टर्स है तो मैं तुम्हें थोड़ा सावधान रहने के लिए कह रही हूँ। मैंग मैंग फिर इस लड़की के साथ ग्रुप में ज्वाइन हो जाती है। ये लड़की फिर कहती है कि जिन भी मॉन्स्टर्स को हम मारेंगे हम 3.5 करेंगे, तुम्हें 70% मिलेगा मुझे 30% मिलेगा, ठीक है ना। मैंग मैंग इस चीज के लिए एग्री कर जाती है। ये लड़की फिर मैंग मैंग को कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स हमें मिलेंगे जो कि हमें घेर लेंगे पर मैं अपनी शील्ड्स की मदद से वहाँ पे रास्ता बना दूंगी ताकि तुम दोनों वहाँ से सेफली निकल सको। ये फिर इन दोनों का एक्सप्रेशन देखती है और कहती है कि आखिरकार तुम्हारे एक्सप्रेशन के साथ क्या है, आउटर एरिया में काफी कमजोर लेवल के मॉन्स्टर रहते हैं, अंदर के एरिया में काफी भयानक मॉन्स्टर मिलेंगे तुम्हें। तब यहाँ पे मैंग मैंग ऐसे कहती है कि ये सब तुम अभी इसलिए कह रही हो क्योंकि तुमने अब तक लिटिल स्केलेटन को लड़ते हुए नहीं देखा है। जेंग चेन फिर अपनी पावर्स का यूज करके काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है, ये देख के ये लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो मैंग मैंग कहती है कि मेरे लिटिल स्केली काफी ज्यादा कूल है ना, और हाँ तुमने ये कहा था कि मैं यहाँ पे अपने और स्केलेटन को समन नहीं कर सकती क्योंकि वो हमें ट्रैक कर सकती है, तो इसका मतलब तुम्हें ये सारा सामान उठाना पड़ेगा। तो ये कहती है क्या मैं तुम्हारी कोई नौकर लग रही हो क्या, पर चिंता मत करो आगे काफी सारे मॉन्स्टर आने वाले हैं जो कि इससे भी ज्यादा ताकतवर है, वो इतने आसानी से नहीं मरने वाले। पर यहाँ पे जेंग चेन अपनी पावर्स के यूज करके उन्हें पल भर में मार देता है। तो यहाँ पे मैंग मैंग कहती है कि लगता है ये स्केलेटन के लेवल के बिल्कुल भी नहीं है। तभी वो लड़की कहती है इतना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी यहाँ पे जायंट वैली पाइथन भी है। पर यहाँ पे जेंग चेन अपनी वार से उसे भी मार गिराता है। तो ये कहती है इतने ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी डेमोनिक घोस्ट स्पाइडर भी है पर जेंग चेन उसे भी मार गिराता है। ये सब देख के ये लड़की बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही होती, वो सोचती है ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना था, आखिरकार लेवल 10 का प्लेयर इतनी ज्यादा ताकत कैसे प्रोसेस कर सकता है। और साथ ही साथ उस स्केलेटन के पास स्किल भी है, क्या उसने स्किल को बेयर माउंटेन के वहाँ पे ऑब्टेन किया था, और आखिरकार ये सब कैसे हो सकता है, एक अकेला समन इतनी तेजी से इतने सारे मॉन्स्टर्स को कैसे मार सकता है। इसे देख के तो लगता है कि समन के पास खुद का माइंड है। मैंग मैंग फिर यहाँ पे कहती है कि देखा मेरे लिटिल स्केली कितना ज्यादा कूल है। तभी इन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है जो कि एक बच्चे की होती है और वो इनसे मदद मांग रहा होता है और उसके पीछे एक आदमी पड़ा हुआ होता है। तभी इनकी नजर उस बच्चे के बैच पे जाती है जो कि टाइगर हंटिंग गिल्ड का होता है। इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं उसी आदमी को जो कि कहता है कि बदमाश लड़के आज मैं तुम्हें मार दूंगा। वही वो लड़का कहता है कि आदमी पागल हो गया, ये मुझे मारना चाहता है। तो मैंग मैंग कहती है वो तो एक लड़का है, आखिरकार वो आदमी इसका पीछा क्यों कर रहा है। तो एनाकोंडा इसे कहती है कि वो एक लड़का नहीं है, वो एक प्लेयर है जो कि टाइगर हंटिंग गिल्ड से है। तो यहाँ पे मैंग मैंग इसे पूछते है कि आखिरकार यहाँ पे ये बच्चा टाइगर हंटिंग गिल्ड के साथ कैसे काम कर रहा है। तो ये कहती है इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। तो मैंग मैंग बोलती है कि क्या पता किसी और ने इस बच्चे की आईडी से लॉगिन किया हो। पर एनाकोंडा इसे समझाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम्हें इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं पढ़ा, जब तुम अपने कैरेक्टर को बना रही होती हो तो रियल वेस्टलैंड तुम मुझे ऐसी दिखती हो असली लाइफ में, वैसे कैरेक्टर तुम्हें बना के देता है। तभी वो लड़का कहता है कि लगता है तुम लोग गिल्ड के वहां से हो, मैं भी उसी गिल्ड का प्लेयर हूं, प्लीज मुझे बचा लो, ये आदमी पागल हो चुका है, साथ ही साथ इसने मेरे दोस्तों को भी पकड़ लिया है। उतने में वो आदमी कहता है कि बच्चे लगता है तुम्हारे पास हेल्पर्स है, पर कोई बात नहीं, बेशक मैं अपने वैल्यूएबल इक्विपमेंट को हार जाऊं पर मैं ये पक्का करूंगा कि तुम्हारे साथ मैं इन सभी को मार दूं। ये फिर एक जोरदार हमला करता है इनके ऊपर और इसी वजह से मैंग मैंग और एनाकोंडा को जेंग चैन को थोड़ा दूर ले जाना पड़ता है। पर ये देखती है कि यहाँ पे मैंग मैंग बेहोश हो चुकी है, पर आखिरकार ये अपने समन को कैसे कंट्रोल कर पा रही है ये इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है। इसकी नजर फिर उस आदमी पे जाती है जो कि एक ब्राउलर होता है और ये जंगल में जानवरों का शिकार करने में एक्सपर्ट होते हैं, पर इस हमले की वजह से उसकी हेल्थ काफी ज्यादा कम हो चुकी है। तभी यहाँ पे वो लड़का कहता है कि तुम स्वॉर्डमैन हो ना, उस आदमी की हेल्थ अब काफी कम हो चुकी है, तुम उसे जल्दी मार सकती हो, अगर उसने अपनी स्किल को एक्टिव कर लिया तो हम काफी बड़े ट्रबल में आ जाएंगे। पर जेंग चेन यहाँ सोच रहा होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये लड़का बेशक नूब जैसे दिखता हो पर फिर भी इसने 18 लेवल के एक ब्राउलर को इंजर्ड कर दिया, इतना कि वो डेथ के कगार पे पहुंच चुका है, जबकि उसने महंगे इक्विपमेंट भी पहन रखे है, फिर भी उसे काफी चोट लगी है और उसे पता है कि वो मरने की कगार पे है पर फिर भी वो उस बच्चे को मारना चाहता है, आखिरकार ऐसा क्यों है। उतने में वो आदमी कहता है कि तुम सब बदतमीज हो, आज मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा। तो एनाकोंडा कहती है कि आखिरकार तुम बदतमीज किसे कह रहे हो, तुमने हमारे ऊपर अचानक से हमला किया बिना कुछ एक्सप्लेन किए। तभी
आदमी कहता है कि अब बस बहुत हो गया मेरे पास, तुम जैसे कमीनों को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम अपनी ताकत और स्टेटस का यूज करके दूसरों को अब्यूज करती हो। आखिरकार ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, आज मैं तुम सबको यही पे मार दूंगा। और हम देखते हैं ये अपनी स्किल को एक्टिव कर लेता है। ये आदमी फिर इनके ऊपर हमला कर देता है, पर एनाकोंडा इसके हमले को रोक देती है और ये कहता है कि डिवाइन पैलेडिन, ये कहती है कि हाँ तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से बुली कर सकते हो, अगर तुम ठीक से बात नहीं कर सकते तो तुम्हें मर जाना चाहिए। जिसके बाद ये उसके ऊपर हमला कर देती है और हम देखते हैं जैंग चैन जो है वो अपनी तलवार का यूज करके इसे मार देता है और ये यहीं पे मारा जाता है। उतने में वो लड़का यहाँ पे आ जाता है जो कि कहता है तुम तो एक मैजिक स्वॉर्डमैन हो, ये तो काफी ज्यादा औसम है और तुमने इसे पल भर में मार दिया, अब इसके जितने भी इक्विपमेंट है वो मेरे हुए। एनाकोंडा फिर इसे पूछती है कि आखिरकार तुम किस ग्रुप के हो और आखिरकार मुझे तुम्हारे बारे में कुछ क्यों नहीं पता है। ये कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता है। ये लड़का फिर इन्हें कहता है कि मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एनाकोंडा कहती है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो। ये कहता है कि वहाँ पे और भी महंगी इक्विपमेंट है, मैं उन्हें लेने के लिए जा रहा हूँ। कुछ देर के बाद ये उस जगह तक पहुंच जाती है। तो ये लड़का कहता है कि हम बस पहुंच ही गए, उस चीज को जब तुम देखोगे तो तुम सरप्राइज हो जाओगे, अच्छा हुआ कि तुम हमारे गिल्ड के प्लेयर हो वरना जितना भी मेरा एफर्ट था वो वेस्ट चले जाता। यहाँ पे एनाकोंडा फिर इससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा बॉस कौन है। ये कहता है कि मेरा बॉस घोस बैट है। ये कहती है कि घोस बैट आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहा है। कुछ ही दिन पहले तो उसका रैंक बढ़ा है जिस वजह से वो गिल्ड मास्टर की हेल्प कर रहा है मिशन को कम्प्लीट करने में। आखिरकार वो हार्ट ऑफ वैली टेरिटरी में क्यों नहीं है, आखिरकार वो यहाँ पे क्यों घूम रहा है। ये लड़का कहता है कि हम यहाँ पे काफी दिनों से वेट कर रहे हैं, हमारे बॉस ने हमें एक अच्छा मिशन दिया है जिस वजह से हम काफी ज्यादा पैसे कमा पा रहे हैं। तभी जियांग चैन के सर के ऊपर कुछ आके गिरता है और वो देखता है तो यहाँ पे एक आदमी ट्रैप में फंसा होता है जो कि कह रहा होता है कि प्लीज मुझे मार दो, मैं दोबारा इस गेम को कभी भी नहीं खेलूंगा। दरअसल जो भी प्लेयर्स ट्रैप में फंस जाते हैं वो लॉग आउट नहीं कर पाते इस गेम से, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा दर्द होता है। ये लोग फिर उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ के ट्रैप देख के यहाँ पे एनाकोंडा कहती है कि आखिरकार तुम कौन हो और आखिरकार ये ट्रैप्स तुमने कैसे बनाए। ये लड़का कहता है इन ट्रैप्स को मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर बनाया, तुम्हें नहीं लगता ये अमेजिंग है, इन सबको एक जगह कैद करके इनकी सप्लाईज लेके हम मार्केट में काफी अच्छे दाम से बेचते हैं और हम इन्हें इसलिए नहीं मारते क्योंकि ये लॉग आउट करके दूसरे प्लेयर्स को इस जगह के बारे में बता देंगे। तो एनाकोंडा कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे का रूप लेके प्लेयर्स का गार्ड डाउन करके इन्हें हंट करने की, क्या गिल्ड मास्टर को इसके बारे में पता है। तभी उतने में एक आदमी कहता है कि फ्लावर एनाकोंडा आखिरकार तुमने अपना हेलमेट क्यों उतार दिया, तुम्हें तो नफरत थी कि दूसरों को पता चले कि तुम एक औरत हो। ये आदमी घोस बैट टीम का एक मेंबर है जिसका नाम शैडो लेपर्ड है। तभी इस आदमी की नजर यहाँ पे मैंगमैंग के कोट पे जाती है और वो कहता है ये तो काफी एक्सपेंसिव लग रहा है और ये कहते हैं जैंग जैन इसकी गर्दन के ऊपर अपनी तलवार लगा देता है। तो ये कहता है कि मैजिक स्वॉर्ड मैन तुम चिंता मत करो, हम सब तो फ्रेंड है, तुम्हें इतना चौकन्ना होने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब टाइगर हंटिंग गिल्ड के यहाँ से है तो हम सब भाई भाई हुए। फ्लावर एनाकोंडा लग रहा है तुम्हें कुछ बेटर टीम मेट्स मिल गए अब। तो ये कहती है अगर अब तुम्हें पता ही चल गया है तो हमसे थोड़ी दूरी बना के रखना। इसके बाद वो लड़का कहता है कि बॉस लेपर्ड आप बिल्कुल सही समय पाए हो, मैंने किसी तरह प्राउलर को मार दिया। पर ये आदमी उसे एक जोरदार चाटा मारता और कहता है कि आखिरकार तुम अपने आप पे कैसे प्राउड कर सकते हो, तुम एक कचड़े के अलावा कुछ नहीं हो, तुम एक छोटा सा काम ठीक से नहीं कर सकते हो, तुमने उस आदमी को भागने भी दिया था तुम्हें याद नहीं है क्या। तो ये लड़का उससे माफी मांगता है जिसके बाद लेपर्ड कहता है कि जल्दी जल्दी सारा सामान उठाओ अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। एनाकोंडा फिर इससे पूछते कि यहाँ जो भी तुम कर रहे हो क्या इसके बारे में गिल्ड मास्टर को कुछ पता है। ये कहता है कि गिल्ड मास्टर उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं सिर्फ अपने बड़े भाई घोस्ट बैट के ऑर्डर्स को सुनता हूँ और तुम्हें भी यहाँ पे शैडो मास्क ने यहाँ पे भेजा ताकि तुम वैली टेरिटरी की डिफेंस में मदद कर सको। तो ये कहती है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है, मुझे सारे सवालों के जवाब चाहिए। तो ये कहता है कि आखिरकार तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, हमने तो सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स को पकड़ा है। अब ध्यान से सुनो, जो भी वैली के इस एरिया में आता है उसे मेरे बड़े भाई यानी कि घोस्ट बैट की बात माननी पड़ेगी चाहे वो तुम भी क्यों ना हो। तो एनाकोंडा कहती है उसकी बात माननी पड़ेगी इससे तुम्हारा मतलब क्या है। ये कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना, वैली टेरिटरी का ये चीज किसी हिडन डेंजुंग से जुड़ा हुआ है, अगर तुम वैली टेरिटरी से रिमूव नहीं होना चाहती हो तो तुम्हें अपने टीम मेंबर्स को लेके मुझे फॉलो करना पड़ेगा, हम एकदम कोर में जाने वाले वैली टेरिटरी के और यहाँ से जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है।